बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी ग्रेड 7 क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से अपना आगे रीड करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे एट देयर होम्स, कि अपने घरों में वापस आते हैं, अपने घर वालों को ईद मुबारक करते हैं। इसके बाद है फॉर द चिल्ड्रन इट इज वेरी हैप्पी डे बिकॉज दे रिसीव ईदी मनी फ्रॉम ऑल द एल्डर्स टू स्पेंड एंड एंजॉय थेमसेल्फ। ये जो ईद होती छोटी थी, बच्चों के लिए बड़ी खुशनुदी की बात होती है, क्योंकि इनमें बच्चों को पैसे मिलते हैं ईदी के तौर पे, और वो बच्चे उस पैसे को खर्च करते हैं, अच्छी खुशियां मनाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज गेट बोनसेस, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसर्स क्लोज डाउन फॉर अ कपल ऑफ डे, फूड एंड मनी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर, ठीक है। क्या होता है, जो लोग मजदूर होते हैं, किसी की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, एम्प्लॉयज वर्कर जो होते हैं, इनको बोनसेस मिलते हैं, उनको क्या होते हैं अलग एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ईद के मौके पर, और गरीबों में खाना और पैसे तकसीम किए जाते हैं। गर्ल्स आर ऑल्सो एक्सचेंज ऑन दिस ऑक्यूपेशन। ईद उल फितर इज ऑलवेज एन ऑक्यूपेशन फॉर द बिग मील एंड फैमिलीज कम टूगेदर लाइक थैंक्स गिविंग, ठीक है। लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये त्यौहार होता है, ठीक है। ईद उल फितर में क्या होता है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक दूसरे से मिलने का रिवाज है, फैमिलीज आपस में सब खानदान इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ठीक है। मीडिया ऑल्सो कवर्स ईद फेस्टिवल, ऑल ईद फेस्टिवल्स ऑल डे एंड एयर्स वेरियस स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन टीवी फॉर एज ग्रुप्स, ठीक है। मीडिया जो है, ठीक है, मीडिया क्या करता है, एक नए नए प्रोग्राम नशर करता है टीवी पे ईद उल फितर के लिए, और बच्चों के और बड़ों के लिए, कि वो इस तरह से अपने ईद के दिन जो है घरों में अच्छे तरीके से गुजार सकें, ठीक है। गेम्स एंड आउटडोर्स, ठीक है, अम्यूजमेंट सच एज फेयर ग्राउंड राइड्स एंड एंजॉय ऑल डे, पीपल विजिट देयर एल्डर रिलेटिव्स फर्स्ट देन अदर एंड फ्रेंड्स ऑल डे एंड शेयर द जॉय ऑफ द ईद, ठीक है। गेमें और बाहर गेम्स खेली जाती हैं, बाहर निकल के, ठीक है, गपशप लड़ाई जाती है, पूरा दिन एक अच्छे तरीके से गुजार जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों के घर में पूरा दिन आते जाते हैं, दोस्तों के, अपने अजीजों वकारे के घर आते जाते हैं, और इस पुसरत मौके की मुबारकबाद देते हैं। सम गो टू द पार्क, सी साइड्स, रिवर्स और लेक्स फ्रंट टू एंजॉय द रिलैक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, पार्कों में चले जाते हैं, समंदर के किनारों पर चले जाते हैं, ठीक है, पानी के पास जाते हैं, ठीक है, अपने इस दिन में पिकनिक्स बनाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स कंटिन्यू टिल लेट नाइट एंड इन सम टाउन्स इट इज अ पॉपुलर फेयर और मेला इज हेल्ड फॉर रिक्रेंटेशनल पर्पस, ठीक है। रिक्रेंटेशनल पर्पस क्या, बेसिकली क्या होता है कि इस मुसरत मौके पे, पूर्व मुसरत मौके पे, इस त्यौहार में लोग रात को देर तक घरों से बाहर होते हैं। इस पर क्या कहते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे रिवाज है कि रात तक क्या कहते हैं ईद के मेले लग जाते हैं। फैमिली गेट्स टुगेदर इन इवनिंग इज आल्सो प्लान टू एंजॉय ईद डिनर एंड फर्दर प्लानिंग इज सेलिब्रेट टू सेकेंड एंड थर्ड डे ऑफ ईद। फैमिलीज जो होती हैं, जो घराने होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ईद के तीनों दिन क्या करना है। ईद की शाम खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, और तीन दिन ईद के इस मुसरत मौके से लुत्फ अंदोज होते रहती है, ठीक है। तो अब तक की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।